Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Welcome to the virtual session of Maths for Class 5th, Chapter Number 3, Multiplication and Division. Children, in our previous video, we have learned how we will divide any number. Okay, today we will take few word problems. Let's start. Now question number 3. Chaya bought 20 copies for ₹360. छाया ने 20 कॉपीज खरीदी हैं कितने रुपीस में 360 रुपीस में. स्टेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. हमें वन कॉपी की कॉस्ट बतानी है. जब हमें वन कॉपी या वन किसी भी आइटम की कॉस्ट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. सो स्टार्ट राइटिंग नंबर ऑफ कॉपीज. वी कैन राइट लाइक दिस. कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज. 20 कॉपीज की कॉस्ट कितनी है आपकी 360. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. वन कॉपी की कॉस्ट क्या होगी. वी विल डिवाइड 360 बाय 20. Understood? Now 360 divided by 20 3 लेंगे तो 3 इज स्मॉलर देन 20. देन वी विल टेक 36 आप लेंगे. ओके 20 22 40 इज ग्रेटर देन 36. तो सो वी विल टेक 20. जैसे ही इस नंबर से बढ़ाता है आपको उसके एक पीछे वाला नंबर लेना होता है. ओके नाउ 20 सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 0 इज 6 3 माइनस 2 1. नाउ नोट डाउन नेक्स्ट नंबर 0. नाउ आई एम राइटिंग अगेन द टेबल ऑफ 20. 20 2 जा 40 23 जा 60 24 जा 80 25 जा 100 26 जा 120 27 जा 140 28 जा 160. अब इससे आगे टेबल हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा 160 आ चुका है. इट इज नीदर ग्रेटर देन और लेसर देन 160. तो ये सेम नंबर आया है हमारे कितने टाइम्स में 8. 28 जा 160. नाउ रिमाइंडर इज 0. अंडरस्टूड. So what will you write? Hence, the cost of one copy is ₹80. Okay. Now question number 4 is. धीरज हैज 364 बनानास. धीरज क्या 364 बनानास हैं. स्टेट हाउ मेनी डजन बनाना ही हैज. तो आपको बताने हैं कितने डजन बनानास उसके पास हैं. ओके सो हाउ विल यू राइट. फर्स्ट नंबर ऑफ बनानास धीरज हैज यू कैन राइट लाइक दिस. और यू कैन राइट धीरज हैज बनानास इक्वल. नंबर ऑफ बनानास. ओके नंबर ऑफ बनानास कितने हमारे 864. अंडरस्टूड. हाउ मेनी डजन बनानास ही हैज. तो धीरज हैज 864 bananas. State how many dozen banana he has. तो हमें बताना है कितने dozen bananas धीरज के पास हैं. So how will you write? धीरज has
बनानास कितने 864, ठीक है. नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ डजन ऑफ बनानास कितने होंगे. क्या करेंगे आप इसमें, 864 को डिवाइड करेंगे 12 से. व्हाई, बिकॉज वन डजन इक्वल्स टू, वन डजन इक्वल्स टू 12. ओके, वन डजन इक्वल्स टू 12 होता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से. 864 डिवाइड बाय 2, 12. सो फर्स्ट राइट डाउन द टेबल. 12 वन जो 12, 12 टू जो 24, 12 थ्री जो 36, 12 फोर जो 48. हमें टेबल तब तक बोलना है जब तक 86 से ज़्यादा नहीं आता, ओके, या फिर 86 नहीं आता. तो 12 फोर जो 48, 12 फाइव जो 60, 12 थ्री जो 72, 12 सेवन जो 84, 12 एट जो 96. 96 ज़्यादा आ गया तो हम इसे एक कम लेंगे, 84 एंड 12 इट गोज बाय 7 टाइम्स. 12 7 जा 84, माइनस 6 माइनस 4 इज टू, 8 माइनस 8 0. नाउ कैरी, सॉरी, नोट डाउन नेक्स्ट नंबर 4. देन 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, एग्जैक्ट नंबर हमें मिल गया है. 12 2 जा 24, राइट डाउन 2 हियर, रिमाइंडर इज 0. ओके, नाउ व्हाट विल यू राइट, हैंस डजन्स ऑफ बनानास. Now Dheeraj has, okay, we will write Dheeraj has, hands, Dheeraj has 72 dozens of bananas, okay, understood, okay, this is all for today. Practice all the remaining questions in your rough notebook. Till then, bye-bye. Take care. Now, kids, we will do question number 2 of this exercise, which I have skipped earlier. I hope you are able to do division properly now. Now, divide the following in Devanagari script. Aapko Devanagari script mein divide karna hai ye. Our number is 858 divided by 33. ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन द टेबल ऑफ 33 हियर. हमने 33 का टेबल लिख दिया है पहले ही. सो लेट्स स्टार्ट. 33 8 से डिवाइड नहीं सकता, इसलिए हम, दैट्स व्हाई वी विल टेक वन मोर डिजिट. नाउ इट इज 85. 85 हो गया ये आपका. ओके, देन वी विल गो फॉर द गो विद द टेबल. 33 वन जो 33, 33 टू जो 66, 33 थ्री जो 99 इज ग्रेटर देन 85. सो हम एक पीछे जाएंगे इसके. 33 टू जो, सॉरी आई हैव रिटन इट लाइक दिस, इट शुड बी रिटन लाइक दिस. ओके, 33 टू जो 66. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर्स. 5 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो 1 फ्रॉम 8. नाउ इट इज 15. 15 माइनस 6 इज 9 एंड हियर 7. 7 minus 6 is 1. Now note down next number 8. Again see the table. 33 3 is 99. 33 4 is 132. 33 5 is 165. 33 6 is 198. Now 33, okay, 198 is here, 198 is here. We will stop our table here, okay? Now, it is go by 6 times. कितने times में जाएगा? 6 times. 33, 6 is 198. Understood? Now, our remainder is 0. Similarly, do the all parts of this question in your rough notebook. Practice thoroughly of this exercise. Till then, bye-bye. Take care. Have a nice day.